धमाकेदार लोगो लॉन्च हुआ है गिरीश सर के जन्मदिन के मौके पर, थोड़ा सा बताइए सर, और अगर इस लोगो के बारे में अगर कुछ बात करना चाहें। सबसे पहले तो मैं ये दोनों भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। बोथ ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड जस्ट लाइक यंगर ब्रदर्स टू मी। शायद मैं इन दोनों से बड़ा हूँ। क्या एग्जैक्ट। सो माय हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम फॉर एंटरिंग इनटू अ न्यू वेंचर, इनटू न्यू इनिशिएटिव। आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम एंड माय बेस्ट विशेस आर विद देम फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव। तो ये कुछ प्रोडक्शन करने वाले हैं मीडिया में, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है या एंटरप्रेन्योर की दुनिया है या एजुकेशन की दुनिया है, वो सारी चीज़ों में इन नए सिरे से दोनों भाई इसमें एंटर कर रहे हैं। एक साइड में फिल्म वाला है, एक साइड में पॉलिटिकल साइंस का इंटेलेक्चुअल है। सो दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन विच आई हैव येट टू सीन फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सो माई बेस्ट विशेस फॉर this venture to both of them. Yeah, thanks. गिरीश सर, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया है लोगों के बारे में, थोड़ा सा बताइए कि कब ये थॉट आया कि इसमें भी शुरू करना चाहिए हमें प्रोडक्शन भी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जो बर्थडे के दिन इतने सारी तादाद में आए हैं। मैं आपको बता दूँ कि एक तो मेरी पहली कंपनी थी एंटिटी वन एंटरटेनमेंट, जिसमें फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मार्केट करते थे। उसके अलावा एक कंपनी हमारी लोकोत्तरा प्रोडक्शंस, जिसके साथ हमारा जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च हुआ है, जो दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। सारे लोगों की ज़ुबान में हमारा ऐप है और वो ऐप भी सक्सेसफुल रहा है। अब ये जो हमारी तीसरी कंपनी है जिसमें हम दोनों भाइयों ने मिलके शुरू की है, हरीश वानखेड़े, गिरीश वानखेड़े, मैं इसका नाम वानखेड़े ब्रदर्स इसलिए रख रहा हूँ कि हम दोनों वानखेड़े ब्रदर्स हैं। और इसमें हम फिल्मों को प्रोडक्शन करेंगे, वेब सीरीज क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ वो कंटेंट क्रिएट करेंगे जो कमर्शियली ओटीटी पे भी हो या थिएट्रिकल भी हो। अरे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राइट, लेकिन जैसे गिरीश कह रहे थे कि इतना बड़ा ये स्पेस है और इस स्पेस में इतनी सारी नई इनोवेटिव चीज़ें हो रही है, तो सिनेमा ऑफकोर्स हम दोनों का पैशन रहा है बचपन से। तो इस फील्ड में जिस तरह से गिरीश ने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की है, वही एक इनलार्ज करेंगे, प्रोडक्शन में आएंगे, अपनी खुद की फिल्में करेंगे, खुद के वेब सीरीज़ करेंगे। तो मेरा बहुत एक्साइटमेंट है और गिरीश के साथ जुड़ने से ज़्यादा अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू। गिरीश सर, कौन से प्रोजेक्ट लाइंड अप है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए? इस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो जो अंबेडकर फिलोसॉफी को प्रमोट करती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं। एक ऐसी कहानी को हम लेकर आ रहे हैं जो एक बॉक्सर की कहानी है, तो इस तरीके की कहानी है जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चलें, इस तरीके की सोशली रिलेवेंट फिल्में हम बनाएंगे। हम उन फिल्मों को बनाएंगे जिन फिल्मों में हम अम्बेडकरवादी फिलोसॉफी को लेकर आ सके, जहाँ पर हम बुद्धिज्म को प्रमोट कर सकें। सर, इसके अलावा इन दिनों जो सिनेमा का दौर चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप ट्रेड को लेकर भी बहुत जानकारी रखते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कितना ध्यान रखने वाले हैं कि ऑडियंस तक ये फिल्म पहुँचे, उनको ये पसंद आए और स्पेशली कॉन्टेंट ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि अभी जो ऑडियंस सिर्फ कॉन्टेंट वाला सिनेमा पसंद कर रही है। एग्जैक्टली, देखिए कंटेंट की समझ है मुझे और मुझे हमेशा ये लगता है कि एक ईमानदारी का कंटेंट जो कि दर्शकों तक रिलेट हो जाए, ऐसे कंटेंट को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। आज जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसमें 80% वो कंटेंट है जो प्रोजेक्ट्स है, जो बेसिकली फिल्में नहीं होती, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, पहले स्टार को साइन किया जाता है और बाद में स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम वो नहीं करने वाले, हम इस वक्त कम से कम 1.5 से 2 साल सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही काम कर रहे हैं। जब स्क्रिप्ट के ऊपर हमको कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद ही हम पूरी तरीके से प्रोडक्शन में एंट्री लेंगे। गिरीश सर, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि दिवाली पर दो बड़ी फिल्में क्लैश हो रही है, थैंक गॉड और रमजान सेतु आज जो है अनाउंस हो चुकी है, तो क्लैश क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिवाली पर रिलीज करने की? कितना सही है दोनों? बिल्कुल सही है, ये क्लैश हमारे देश का इतिहास है। अगर आपको याद होगा तो गोलमाल और फैशन एक साथ रिलीज हुई थी, तो गोलमाल और फैशन दिवाली की फिल्म है। अब गोलमाल कॉमेडी, फैशन सोशल रिलेवेंट फिल्म और दोनों सुपरहिट थी। तो कई बार ऐसे फिल्म ऐसे हुआ है कि जब भी बड़े क्लैशेज हुए हैं दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहेंगी। और इसमें सबसे बड़े उदाहरण तो अगर आपको होगा तो दिल और गदर,
अगर तो दिल भी आई थी, गदर आई थी, दोनों सक्सेसफुल फिल्में थी। तो कई फिल्में ऐसी होती है जो क्लैश हो, और उन क्लैश में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपने देश में 5,500 सिनेमाघर है, वो सिनेमाघर दो सक्सेसफुल फिल्मों को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए अगर दोनों रिलीज होगी तो कोई किसी का भी नुकसान नहीं करेगी, दोनों सुपरहिट होगी। कोविड के बाद क्या लगता है दौर थोड़ा सा बदला है? पिछली फिल्म लास्ट में डर गया थी, थोड़ा सा इसलिए बदला है क्योंकि लोगों को OTT के कारण एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, और ये अच्छी बात है। अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर के बाद लोग सिनेमा लिटरेट होने लगे हैं, अच्छे कंटेंट को समझने लगे हैं, एक अच्छा बदलाव है। सर इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, आज आपका जन्मदिन है, किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है? हम देख रहे हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आए ही है, लेकिन कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं आप अपना जन्मदिन? मैं हमेशा अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ अपने फैमिली के लोगों के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर कदम यहाँ हैं, निखिल सर यहाँ हैं, ये मेरे फैमिली का पार्ट है। दूसरे वाला उसके अलावा जो मेरा स्टाफ है, जयभीम का स्टाफ, तनुज है, आशीष है, पूर्ति है, भाविनी है, श्वेता है, सुशांत है, इतने सारे जो लोग मेरे स्टाफ में हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी पत्नी है, यहाँ सारे लोग यहाँ पर है। इससे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन मैं और नहीं मानता, अपने फैमिली के साथ मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे फिल्म मेकर्स है, हैरी भाई आए हैं, और बहुत सारे लोग, अनूप जी ने मुझे अभी जस्ट विश किया, मनोज वाजपेयी सर ने विश किया, निहारिका अभी आने वाली है, उसके अलावा सारे ही सेलिब्रिटीज़ ने अपने विशेज दिए हैं, इसलिए ये सेलिब्रेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। स्ट्रेटजीज बनाइए आपकी तरफ से, आपने जैसे गिरीश भी कह रहे थे ना कि सोशली रिलेवेंट सिनेमा होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, तो वो जो सोशल रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो आइडियाज़ है, वो इन जनरल एकेडमिक से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं। तो उसका जो रिसर्च है, जैसे गिरीश कह रहे थे कि 2 साल हम लोग सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, तो स्क्रिप्ट पे काम करना, आइडियाज़ को इलेबोरेट करना और उसको अच्छे एक्सचेंज में देखना, ये जो काम है उसका बहुत बड़ा भागीदारी मेरे पर रहेगी, जिम्मेदारी मेरे पर रहेगी, और वो एक बेसिकली अभी तक का वो काम हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बर्थडे विशेज आपको आई है, और हमारे थ्रू क्या क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सारे लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे विशेज दिए हैं। ये सारे वो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे सारे काउंटर पार्ट्स हैं, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, सारों की विशेज यहाँ आई है, सारे की दुआएं आज मुझे मिल रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार और स्नेह बनाए रखें।